अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के पैकिंग प्लांट में श्रमिक की मौत, परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार 1 आदमी को नौकरी देने को लेकर प्रदर्शन। नमस्कार, मैं अंजना द खबरदार न्यूज से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कंपनी प्रबंधन की सूचना पर नौबस्ता चौकी का अमला मौके पर पहुंचा है। स्वजन बोले, मांगे नहीं मानेंगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा, ना ही अंतिम संस्कार होगा। परिजनों की मौजूदगी में शव को निकाल लिया गया है। शहर के चौरहटा थाना के नौबस्ता पुलिस चौकी अंतर्गत अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में एक हादसे में श्रमिक की मौत हो गई है। कंपनी प्रबंधन की सूचना पर नौबस्ता चौकी का अमला मौके पर पहुंचा है। 28 सितंबर की सुबह पैकिंग प्लांट के कन्वेयर में फंसने से मजदूर की जान चली गई थी। शव को निकाल लिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल गेट में तैनात, एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पुलिस बल गेट में तैनात कर दिया गया है। नौबस्ता चौकी पुलिस ने शव पंचनामा दर्ज कर पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवाया है। इधर परिजनों के साथ भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे हैं, जिन्होंने कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और 1 आदमी को नौकरी देने को लेकर प्रदर्शन शुरू किया। भोलगढ़ गांव का था रहने वाला नौबस्ता चौकी प्रभारी उप निरीक्षक मनोज गौतम ने बताया कि गुरुवार की सुबह 9 बजे बेला बैजनाथ के नजदीक अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के कन्वेयर में चपेट लगने से रमेश यादव उम्र 25 वर्ष निवासी भोलगढ़ गांव की मौत हो गई है। परिजनों की मौजूदगी में शव को निकाल लिया गया है। शांतिपूर्ण तरीके से लाश को पीएम के लिए भिजवाया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मुआवजे को लेकर अड़े परिजन, मृतक के परिजनों ने बताया है कि कंपनी प्रबंधन की लापरवाही से युवक की जान चली गई है। कंपनी के अंदर व बाहर सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, ऐसे में प्रबंधन के खिलाफ प्रकरण दर्ज हो, दोषियों को जेल भेजा जाए, 1 करोड़ का मुआवजा और नौकरी दी जाए। जब तक अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री मांगे नहीं मानेगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा, ना ही मृतक का अंतिम संस्कार होगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।